for platinum category, I would like to call upon Mamta Kapati. बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है. थैंक यू मिस एंड मिसेस ग्लोबल क्वीन अवार्ड्स एंड अ बिग ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू टू डॉक्टर नीलम फराडिया फॉर ऑनरिंग मी विद सच अ लवली जेस्चर. आज हमें अगर मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ कि व्हेन वन वुमन लिफ्ट्स अनदर वुमन और अप्रिशिएट्स अनदर वुमन श्योरली मैजिक हैपन्स. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि विमेन सपोर्ट हो रहा है एक दूसरे से. सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, सब एक दूसरे के लिए ऑलवेज. सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट विमेन एम्पावरमेंट एंड मैं वही सबको वही मैसेज देना चाहती हूँ. लेट्स ऑलवेज लिफ्ट ईच अदर, बी फॉर ईच अदर, देयर फॉर ईच अदर, सो दैट दिस वर्ल्ड स्माइल्स, वी ऑल स्माइल. And that's my message to everybody today. Thank you. Yeah. Hi, I'm Mihir Mehta from Dharmachakra DC. And it was a great event by Miss Neelam Baradia. And you can reach us on the Instagram page, our Dharmachakra Lux. So please follow this our page. And thank you so much. Thank you very much. And our Dharmachakra, it's a totally fashion industry, your fashion destinations. You can reach us on the handbags, footwear and kids accessories. Thank you so much. लोगों को एक साथ देख के वैसे ही अच्छा लगता है. एंड द फैक्ट कि डॉक्टर नीरा एंड उनके हस्बैंड ने एक इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया वेयर टीन से लेके मिसेज एंड प्लैटिनम जो हमारे कंटेस्टेंट्स थे सबको अवार्ड किया. आई थिंक इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल डे. बहुत मेहनत की है सबने. देयर वर सो मेनी राउंड्स जिसमें उनका टैलेंट टेस्ट किया गया, उनके क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट किए गए. सो आई थिंक इट वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डे एंड अ फैंटास्टिक कॉन्टेस्ट. टू फ्लोरा सैनी फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट हियर. थैंक यू सो मच. अ मेगा फैशन इवेंट वेयर बांग्लादेश मीट्स इंडिया. And yes, it's an international level pageant and awards where we have given Global Achiever Awards. Yeah, thank you so much. At the Pretty Five by Neetu Arora is here. Thank you so much, Pretty Five by Neetu Arora. इनकी पूरी टीम ने हम सबको खूबसूरत बनाया है. All my contestants, celebrities, सबका मेकअप, हेयर इन्होंने टीम ने ही किया है. And thank you so much. Thank you so much for being here. Yeah, most welcome. बहुत अच्छा रहा. लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था और नीलम जी के साथ वर्क करके हमें बहुत अच्छा लगता है और ऑलवेज चाहूँगी मैं इनके साथ ज़रूर वर्क करूँ. थैंक यू. दरमिना इज आवर विनर. शी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड यस वी वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम हर. मेरा नाम अंतर वीणा है. मैं मिसेस कैटेगरी में विनर हूँ, मिस एंड मिसेस रॉयल ग्लोबल क्वीन. मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं नीलम पराडिया मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें कि जहाँ हम अपने आप को इतना खूबसूरत बना के निखार पा रहे हैं. और थैंक्स टू प्रेरणा थवरडे मैम जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मेरी मेंटर, मतलब आई रियली हार्टफुल थैंक्स टू हर. और जो ग्रूमर्स थे, वर्तिका मैम और भी साथ में थे, बहुत सारे जो ग्रूमर्स थे जिन्होंने हमें पिछले 3 महीने से हमें ग्रूमिंग किया, उन सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं प्रेरणा थापड़े भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और लास्ट सीजन के इसी शो की मैं विनर हूँ, मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन ऑफ क्वींस. और अभी मैं मिसेस सेंट्रल पैसिफिक एशिया यूनिवर्स का टाइटल अभी जीता है, आज उसी की क्राउनिंग हुई है मेरी. और मैं अभी मैं मिसेस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं
इन मिसेस यूनिवर्स का क्राउन इंडिया के लिए लेके आऊँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ, और साथ में इस शो का भी नाम रोशन होगा क्योंकि मैं इसी शो की विनर हूँ। और थैंक्स टू नीलम श्योर दैट मिस एंड मिसेज रॉयल ग्लोबल क्वीन चीफ गेस्ट इज डॉक्टर कृति वजीर। थैंक यू सो मच डॉक्टर कृति वजीर कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीलम। डॉक्टर नीलम परड़िया इज़ सच अ डियर एंड नियर फ्रेंड ऑफ माइंड। गुड इवनिंग टू ऑल मीडिया। दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर कृति वजीर, एंटरप्रेन्योर ऑफ देवव्याप ग्रुप एंड साई बिजनेस क्लब। जस्ट लैंडेड फ्रॉम दुबई। आई वॉज अ इंटरनेशनल डेलीगेट फ्रॉम GOI। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कैप्सेट और एयरपोर्ट शो में गई थी। इंडिया को रिप्रेजेंट हम कर रहे थे इंटरनेशनल डेलीगेट के हिसाब से, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है भारत को। और मैं चाहती हूँ कि विमेन के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जहाँ तक मैं एक समाज को जो संदेश देना चाहती हूँ कि अभी तक हमने सुना था कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं चाहती हूँ कुछ नया शुरू किया जाए। हर एक सफल औरत के पीछे एक औरत का हाथ होना चाहिए। सो आई रियली थैंकफुल एंड थैंक यू फॉर एज अ बिजनेस वूमन। वो हमेशा हंसाती है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू जज बिकॉज एवरी कंट्री वॉज जस्ट अमेजिंग परफॉर्मेंस देयर। सो इट वॉज सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच वन इज गुड एंड विच वन इज नॉट, विच वन इज अ परफेक्ट, विच वन इज नॉट राइट, बिकॉज दिस इज, आई गेस दिस इज नॉट अ लाइक कॉम्पिटिशन हेयर। इट्स द वे, इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी गाइज कैन शो वॉट टैलेंट वी हैव, हाउ टू एक्सप्रेस आवर टैलेंट। लाइक so I guess Neelam Paradia is a such an amazing and talented woman here who is giving us such a lovely platform for every woman like to show your talent right। and हमारे यहाँ पर हमेशा कहा जाता है like कि लड़कों को मना नहीं करते कि आप घर से बाहर जाएँ, लड़कियों को कहते रात हो गई नहीं जाए, तो क्यों हमारे यहाँ समाज में या हमारे यहाँ के लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा हर लड़की को आप अपनी बहन या की तरह इज्जत दें, हर लड़की को आपके साथ जो भी आसपास हो उसे ऐसा प्रोटेक्ट फील कराएं कि वो अपने आप को सेफ महसूस करे राइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी हर किसी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए एंड सबसे पहले तो खुद को एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना चाहिए right। so this is a platform for those all those women who are just try to develop her confidence level and she is a motivation for every woman who wants to motivate herself and who wants to do something in her life। so congratulations Dr. Neelam Paradia for a lovely achievement and keep shining and do something more better in your life। And thank you so much for choosing me as a brand ambassador of this Miss and Mrs. Royal Global Queen pageant। Namaste, main Reena Jain Goa se hu और आई हैव वन मिसेज इंडिया 2021 एंड क्राउंड एज मिसेज कॉस्मोस इंडिया 2021 एंड वन एज ग्लैमरस इको वॉरियर एज वेल। हियर आई एम एज अ ज्यूरी टुडे। आई एम सो थैंकफुल टू रीना जैन टू बी हियर एज अ ज्यूरी टू रिमूव टाइम फ्रॉम अ बिजी शेड्यूल। शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम गोवा टू एनकरेज मोर वुमेन बिकॉज शी इज़ नॉट ओनली मिसेज कॉस्मोस इंडिया, शी इज़ ऑल्सो गोइंग फॉर मिसेज कॉस्मोस इंटरनेशनल। So 2022, that's a proud moment that both Mrs. Universe और Mrs. Cosmos जो जा रहे हैं 2022 को represent करते हुए इंडिया से, वो हमारी जूरी है। So thank you Reena Jain for removing this time for us। Thank you। And Mrs. Royal Global Queen is really thankful to you। तो अभी मैं अपने देश को represent करूँगी USA में Florida next month, और आप सबका मुझे बहुत सारा support चाहिए। मेरा प्लेटफॉर्म रादर देन दिस ग्लैमर फैशन और ये सब के अलावा, मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करती हूँ बिकॉज आई एम अ ग्लैमरस इको वॉरियर। और जैसे कि आपको सबको मालूम है, हम सब लोग देख रहे हैं, पहले कोई बात नहीं करता था, नो वन नोज व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। वी हैव सीन फेल्ट, आपको दिख रहा है ना ये क्लाइमेट चेंज और ये साइक्लोन एंड एवरीथिंग। सो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दिस ऑल्सो एंड दैट इज़ माई प्लेटफॉर्म। Thank you so much Farid Munshi for being our choreographer for this event. Quick, they have made lot of efforts like on Sundays taking grooming classes for them so that they can teach them all the small जो बारीकियाँ रहती हैं ना जो fashion show में कि कैसे खड़े रहना है, कैसे walk करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई है। So let's hear from him about it. Thank you so much Dr. Neelam Paradia for inviting us for this great event, मिस एंड मिसेस रॉयल ग्लोबल क्वीन। वैसे तो मैं फैशन कोरियोग्राफर हूँ एंड रनवे पेजेंट कोच भी हूँ, जिन्होंने 3000 प्लस मॉडल्स को ट्रेन कर चुका है, 2000 प्लस शोज़ कर चुके हैं। एंड अभी डॉक्टर नीलम के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड पर्सनालिटी एंड बहुत मेहनती है,
और सारा चीज़ वो वन हैंडेडली संभालती है. वेरी गुड मैनेजमेंट. आई वुड रियली अप्रिशिएट हर फॉर दिस. एंड डॉक्टर नीलम, जस्ट कीप इट अप एंड थैंक यू. टू गिव स्पेशल थैंक्स टू दिया लाल. शी इज़ अ फैशन कोरियोग्राफर हु हैज कम टू आवर शो एंड रियली उन्होंने चांद चांद लगा दिए, ना सिर्फ अपने स्टाइल से लेकिन वही स्टाइल हमारे सारे कंटेस्टेंट्स में भी उन्होंने मिरर इमेज की है बिकॉज शी हैज ट्रेन देम ऑल. प्लीज हियर फ्रॉम हर. Thank you so much, Neela. It's a pleasure to be a part of Miss and Mrs. Royal Global Queen this year. Myself, Diya Lal, I was the pageant coach and runway trainer and a stage choreographer for them. My journey of 2 days has been so beautiful training these very, very, very talented women who are so talented, and we could see it on stage that they have done their best and the best have won. As a woman empowerer, I see this platform to be such an important platform for this country. I'm very grateful to her to give me this opportunity to be here, and thank you from all of them to give this platform to them. Thank you so much. पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ डॉक्टर नीलम पराडिया मैम को क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है. मैं लास्ट ईयर मिसेस इंडिया 2021 ग्लोबल क्वीन की विनर रह चुकी हूँ एंड इस साल मुझे जूरी बनने का मौका मिला. तो सब लेडीज़ कंटेस्टेंट्स को जज करने में, उनका हुनर देखने में, उनकी ब्यूटी और कला देखने में काफ़ी मज़ा आया और हमने काफ़ी अच्छे से जजिंग भी किया एंड द डिज़र्विंग लेडीज़ ऑल्सो वन द पेजेंट. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर नीलम पराडिया ने मैम ने एक बहुत अच्छा मंच बनाया है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ पे हर महिला अपनी हुनर को, अपने टैलेंट को और अपनी ब्यूटी को शोकेस कर सके. इवन हम शादी भी कर लेते हैं, हम हमारे घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मंच है जहाँ पर हमें एक मौका मिलता है कि हम घर से बाहर निकले, हमारे डेली रूटीन से बाहर निकले, एक मोनोटोनी लाइफ से बाहर निकले और इस मंच का फ़ायदा उठाए ताकि हमें अपने आप को शोकेस करने को मिलता है, हमारे टैलेंट और हमारे प्रोफेशन को शोकेस करने का एक मीडियम मिलता है, एक स्टेज मिलता है. एंड थैंक्स टू डॉक्टर नीलम पराडिया टू गिव अस सच अ वुमेन एम्पावरिंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. नीलम पराडिया को देना चाहूँगी जो ऐसे पेजेंट्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिलीज़ किया है जो घर बैठते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, अपना आइडेंटिटी, अपने सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म रियली मस्ट एंड उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. एंड आई थिंक हाँ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है और नीलम मैम ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया एंड हर चीज़ का इतना अच्छा से ध्यान रखा पर्सनली एक सब लोग का, तो आई थिंक इससे बड़ी चीज़ को नहीं. और आई थिंक हर जिसको भी चांस मिलता है तो ज़रूर पार्ट लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए. थैंक यू. आई एम मिसेस विनीता राणा पुंडीर एंड आई बीन क्राउंड एज मिसेस रॉयल ग्लोबल क्वीन वुमन ऑफ सब्सटेंस 2022. माई हजबेंड इज़ इन द आर्मी एंड वी स्टे इन पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई वॉज हियर on the invitation of Mrs. Dr. Neelam Paradia, and I'm so grateful to her for giving me this wonderful platform to showcase my talent. And of course, this is not only the thing that I won. I even won, I'm so excited. I even won the Best National Costume Round Award as well. And all thanks to Almighty. And now I'm seriously looking forward to meeting my loved ones and celebrate with them. Oh, I'm forgetting one more prize. Okay, I even won the first runners-up of Mrs. Global Queen 2022. And thank you the media coverage that I'm getting here. I'm sure it will be helpful to me in future. And all the best to you guys also. Have a nice evening. Thank you. Thank you so much everyone for your love and blessings. As per my introduction, I'm Payal Kathuria and I'm a cluster manager in investment section.
मुंबई में अभ्युदय बैंक के पूरे जितने भी रीजन्स है, ब्रांचेज है, वो मैं हैंडलिंग कर रही हूँ एज अ क्लस्टर मैनेजर। एंड मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हूँ एंड फर्स्ट राउंड में मैंने सब टाइटल क्राउन अचीव किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन आई एम अ साइक्लिस्ट। मुंबई में हमारी जितनी मैराथन्स एंड साइकिलिंग राइड्स 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ऑर्गेनाइज होती है पार्टिसिपेट करती हूँ। एंड फॉर एज पर अगर मैं देखूँ मेरा लक प्लस मेरे साथ जो ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुदेव की मेरे एल्डर्स की उसमें मैं विनर भी रहती हूँ। मतलब आई वॉज अ बॉर्न विनर, आई एम अ बॉर्न विनर। एंड इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी नीलम पराडिया जी को। नीलम जी ने मुझे मौका दिया इस पैजेंट में हिस्सा बनने का एंड मेरी फैमिली ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया कि मैं इसमें आगे बढ़ चढ़ कर अच्छे से पार्टिसिपेट करूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। एंड आपने साथ साथ मैं और लोगों को भी इसी तरह से आगे बढ़ाती हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है उसमें श्री श्री रविशंकर जी की, तो सोशल नेटवर्क से कनेक्ट हूँ 12 साल से। काफ़ी कोर्सेज लिए हैं मैंने, फ्री वर्कशॉप्स ली है। तो मेरा एक मानना है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ और अच्छे से अच्छा होता है, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है। ऐसी मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोग यहाँ पर आए और आप मेरा कवरेज ले रहे हैं, जस्ट आप मेरा एक्सपीरियंस सुनना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम रंजना सिंह है। प्रोफेशनली तो मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और 17 ईयर्स डॉटर की बेटी भी हूँ जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किकबॉक्सिंग खेलती है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये एंड नहीं हुई है मेरी, यहाँ से शुरुआत हो रही है मेरी। तो आर फिट इंडिया हमने जो स्टार्ट की थी किकबॉक्सिंग वगैरह हम सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, उसकी मैं को फाउंडर हूँ। बट इसके सब करने के बाद भी लगता था लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो ट्रांसजेंडर कमेटी के लास्ट 12 ईयर से काम कर रही हूँ, साथ ही साथ मैरिज ब्यूरो भी चला रही हूँ जो 12 ईयर से चला रही हूँ। साल के 250 शादियाँ करवा देती हूँ, कहीं ना कहीं गालियाँ भी खा लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें करते करते ऐसा लग रहा था कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने का बहुत मेरी चाह है कि कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए लाइफ में। तो ये चाह मैंने आगे लेके आगे मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करूँ। हर बार हम आरफिट के थ्रू जो ब्यूटी पेजेंट होते थे उसके हम फिटनेस पार्टनर होते थे, पर फिटनेस पार्टनर जो होता है वो स्टेज के उस तरफ होता है। एक बार सोचा कि स्टेज के इस तरफ भी आके देखा जाए इसका बाहर कैसा होता है, तो इसलिए मैंने ये डॉक्टर नीलम का ज्वाइन किया। और डॉक्टर नीलम का मैंने लास्ट ईयर का देखा था, यहाँ का जो पेजेंट है पूरा अलग होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, हर किसी को इक्वालिटी मिलती है, सबको सेम चांस मिलता है। तो इस साल मैंने डॉक्टर नीलम का ये जो पेजेंट था ये ज्वाइन किया है और लास्ट 2 डेज से हम यहाँ रह रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि और 2-4 दिन हम रह सकते हैं यहाँ पे। इतना अच्छा अरेंजमेंट, मतलब जितना हमने पे किया उसका 3 गुना ज़्यादा हमको मिल चुका है अभी तक। तो डॉक्टर नीलम रियली थैंक यू सो मच। ये ब्यूटी पेजेंट आप साल में 3 बार करिए, हम तो तैयार हैं आने के लिए। और इसका जो भार है आई स्वेयर ऐसा लग रहा है कि जग जीत लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम पालम अहमद, आई हैव जस्ट वॉन मिस रॉयल ग्लोबल क्वीन टाइटल फ्रॉम बांग्लादेश एंड दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट पेजेंट फ्रॉम कंट्री अब्रॉड एंड आई थिंक द अरेंजमेंट्स वर ग्रेट। वी हैड अ टैलेंट राउंड अलॉन्ग विद नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड फॉलोड बाय द गाला राउंड, सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड आई थैंक especially Dr. Neelam for organizing such a platform for international contestants. So it was a wonderful experience and I am very proud to represent my country in India. So thank you so much. मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मिस प्रतिमा मिश्रा भिलाई से, और मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली नीलम पराडिया मैम के थ्रू और प्रेरणा थवर्डे मैम के थ्रू। तो मैं बहुत ग्लैड खुद को फील कर रही हूँ और मैंने क्राउन भी यहाँ पे जीता। मैं मिस रॉयल ग्लोबल क्वीन 2022 फर्स्ट रनर अप, और ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। मैंने यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें सीखी है, ग्लैमर इंडस्ट्री को समझा है कि ग्लैमर इंडस्ट्री होती क्या है, और आगे मैं आगे जाके छत्तीसगढ़ में वापस जो दूर दराज के गांव की लड़कियां हैं मैं उनको डेफिनेटली आगे इस फील्ड में आने के लिए प्रोत्साहित भी करूंगी, इनकरेज करूंगी ताकि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने टैलेंट को दिखा सके।